I'm really looking forward to it. I guess बहुत ज़्यादा hard work की है सबने and it's 2.5 years से बन रहा था and finally it's ready and you can see it in the promos only. You know, you can see the views were so nice. Reviews काफ़ी अच्छा है trailer के, so I'm really looking forward to it and seeing Priyank acting is another exciting thing because we have seen him in reality shows, so that's something very nice and also Vikas, everybody knows about his work. He's the best. So yeah, I'm quite excited and really looking forward to it. आपने देखा पंचबीट का ट्रेलर? ट्रेलर ऑफ कोर्स मैंने देखा, किसने नहीं देखा है पंचबीट का ट्रेलर. आई गेस इट वाज ट्रेंडिंग इन इंडिया एंड मैंने भी देखा है पंचबीट का ट्रेलर, सो आई जस्ट कैन नॉट गो अवे टू सी द थिंग. बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है. आई गेस इट्स नॉट लेस देन अ मूवी. काफ़ी ग्रैंड शूट किया है एंड काफ़ी हार्डवर्क डाला गया है. 2-2.5 years से बन रहा था, सो आई एम श्योर इट्स गोइंग बी अमेजिंग. कांची जी, वैलेंटाइन डे के मौके पर ये रिलीज हो रही है एंड आज प्रॉमिस डे है जी, सो कोई ऐसा प्रॉमिस करना चाहोगे आप? मैं इनकी साइड से आपको प्रॉमिस करूंगी दैट दे वोंट डिसअपॉइंट यू गाइस. प्लीज डाउनलोड ऑल्ट एंड डू वॉच पंचबीट. आपको किसको विजिट? थैंक यू. ऑनेस्टली आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. मैंने जो प्रोमोस ट्रेलर्स जितना भी देखा है, इट लुक्स लाइक अ फिल्म, लाइक यू नो इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बिकॉज बहुत प्रॉमिसिंग लगता है. आई एम श्योर इट्स विकास, सो कुछ बहुत अच्छा ही होगा बिकॉज मास्टर माइंड हिमसेल्फ हैज क्रिएटेड दिस. विकास जी प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं. यस, आई थिंक अच्छा है, सबको ग्रोथ करना चाहिए लाइफ में और उन्होंने इतना अच्छा, आई थिंक बहुत अभी तो बहुत आगे बढ़ना है सबको, बहुत अच्छे अच्छे. एंड ही इज रियली वेरी स्मार्ट, ही थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड मैं वही एक्सपेक्ट कर रही हूँ इससे भी बिकॉज जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सब कुछ दिख बहुत अच्छा रहा है. द इंटायर द होल ट्रेलर प्रोमो वट एवर इट इज, इट्स जस्ट फैंटास्टिक. या वाई नॉट, आई एम एक्चुअली नॉट फ्री विथ माई फिल्म शूट येट. मेरा पैच वर्क फिल्म का बाकी है, सो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट एंड जैसे एक चीज़ खत्म होगी देन आई डोंट नो वट नेक्स्ट, बट डेफिनेटली वाई नॉट वेब सीरीज बिकॉज इट्स डूइंग रियली अमेजिंग नाउ डेज. बहुत अच्छी चल रही है शूट मेरी सबसे पहले और बहुत अच्छे गाने हैं एंड द फिल्म इज़ अबाउट काइट्स. तो हमको पता नहीं है दैट काइट फ्लाइंग इज़ अ वेरी बिग स्पोर्ट और पेरिस में हर साल उसकी वर्ल्ड कप होता है, तो एक तरह से अवेयरनेस भी है एंड पहली बार काइट फ्लाइंग के ऊपर फिल्म बन रही है तो जो आज तक कभी बनी नहीं है, तो आई थिंक ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आने वाला है. सो या आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर इट. थैंक यू, थैंक यू. अरे प्रभात थोड़ा और क्लोज हो ना, हाँ थोड़ा सा और हो जाए. Thank you.
एक साथ में फोटो यू मेड इट प्रभाव प्रभाव लेते टाइम तो यहाँ बैठेगा नहीं निकल जाएगा कृष्णा भाई सबका विजुअल मैम ये इनोस का मिल यहाँ पे आप पीछे ये मैम इसके तरफ देख लीजिए दुकान वाला केवल देखा फटाफट इसमें डालो अरे निकलेगा तो मैं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अभी थोड़ा सा मैं एक्चुअली आई एम अनवेल सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लेकिन थोड़ा सा मेरी आवाज़ थोड़ी लो समझ के मत सोचिएगा कि मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ एक्साइटमेंट नहीं छुपा रहा हूँ मैं आई एम ऑन मेडिकेशन सो इट्स जस्ट लाइक आई एम वेरी ड्राउजी बट वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वी आर हम सब आए अभी पहला स्क्रीनिंग का शो हुआ है एंड फॉर द फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड नाउ द सेलिब्रिटी को एक्टर्स एंड ऑल दीस पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री आर अबाउट टू वॉच द सेकंड स्क्रीनिंग एंड वी आर वेरी एक्साइटेड वी जस्ट वॉच सम बिट्स ऑफ इट या वी हैव नॉट सीन इट येट प्रॉपर्ली तीन एपिसोड्स हैं तो अभी हमने दो देखे वो भी हम इस पे बात बात कर रहे थे बहुत ज्यादा सो लेट्स सी वी आर वेटिंग नाउ अब जाएंगे अंदर और देखेंगे ध्यान ओके प्रियंका एंड गाजल सबसे अपने अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए किस तरीके के किरदार में जैसे कि हमने देखा काफी अलग-अलग तरीके के बेसिकली राहत इज वेरी ब्रूडिंग एंड इट्स नॉट द सेम प्रियंग यू गाइस हैव सीन यू हैव सीन अ वेरी हैप्पी एंड फन लविंग काइंड ऑफ अ प्रियंग चॉकलेटी बॉय ही इज टोटली डिफरेंट इन दिस वेब एंड द लुक्स वाइज इट्स वेरी डिफरेंट एंड द एंटायर कैरेक्टर इज डिफरेंट इट्स वेरी इंटेंस पेन यू नो He is having a lot of pain since the mother is not there. So there are a lot of things going in his head always. There are a lot of layering. Yeah. But you won't see Rahat very happy, I think. Yeah, not very so happy. So that's the crazy part. Oh my God, look who's here. Ali, you have to. That's Rashmi Chaudhary. खत्म करो खत्म करो बाद में आता हूँ खत्म करो कैरेक्टर के बारे में आप लोगों ने बताया लेकिन सोशल मीडिया पे जो ट्रेलर का रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिला हाँ जी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मिले हैं आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत पसंद की जा रही है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कैसे देख रहे हैं आप लोग अच्छा वी आर आई फील ब्लेस्ड दैट पीपल आर लाइकिंग इट मेरा तो पहला काम है ये तो मेरी सीनियर है एक्चुअली इससे पहले बहुत कर चुकी है सो नो शी हैज द एक्सपीरियंस ऑलरेडी शी हैज सीन हरसेल्फ सो दिस इज माय एक्चुअली इफ यू सी प्रोजेक्ट वेयर आई एम डूइंग इट डेफिनेटली आई एम मिसिंग अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट देयर सोशल मीडिया पे ही इज रेजिंग एनीवे सो डोंट गिव मी दैट बट मैं बता रहा हूं सोशल मीडिया अगर मेरा है तो एक्टिंग वाइज ये है आगे हम सब से मैं बता रहा हूं ये चीज यू गाइस विल सी इट यू गाइस विल सी इट रात को जब कभी टेक्स्ट करता हूँ इसे तो मैं कभी अगर बोलता हूँ कुछ कमिटमेंट देता हूँ तो मैं वो जरूर पूरा करूंगा वो कमिटमेंट इससे ज़्यादा Look at Sindhu. She just entered and she's very new. So when the photographers just came, no guys, Sindhuja भी आई है बहुत नई है तो photographers ने कहा ऐसे तो डर गई एकदम से. She's damn cute. We are gonna watch Panchbeat together. Yeah, most that's of what, us, that's if that's possible, all really of happen. Us. So we're gonna try to do that, and yeah, we are very excited. I hope you guys enjoy the show. Trailer bhi bahut acche se received yeah. hua hai. Social media pe it's raging. Priyank ki wajah se to matlab fandom bad gaya hai hamara. People are following us Kala because there are so many people looking forward to see him as an actor. Aapko bahut I hope I will make sense to you guys. Yeah. Aur bahut hi acting kiya usne. He's given his all, and so have I. Don't think so have we all. So Sindhu is here. Looking all. Sindhu ji, isse hum baatein karenge. Priyank ji, apna apna मेरा वैलेंटाइंस पे कुछ नहीं है मैं प्रमोशंस कर रहा हूँ विल बी गोइंग फॉर द प्रमोशन ऑफ फेसबुक ऑफिस बहुत सारे इंटरव्यूज हैं विल बी मीटिंग यू गाइस ओनली अगेन आई होप सो या दैट्स दैट्स हाउ इट इज वी आर नॉट गोना स्टॉप ऑन 14 हाय व्हाट अप अदिति एंड शी इज डन एन एक्सीलेंट जॉब वी वर जस्ट वाचिंग एंड वन कैरेक्टर आई कैन After seeing the two episodes, मैंने सिर्फ दो episodes देखे हैं तक. I can have bets that you will love Sindhuja in the show. You guys will love Sindhuja in the show. I'm not even joking, guys. ये आपके दोस्त काफी तारीफ कर रहे हैं आपके आने से पहले और live भी आप देख सकते हैं. कुछ feeling होती है आपके दोस्तों जब इस तरह से आपकी काफी बहुत अच्छा फीलिंग है बिकॉज इट्स माय फर्स्ट शो एंड आई लाइक द एनकरेजमेंट दैट दे आर गिविंग मी एंड वी आई लव देम एंड आई एम श्योर इवन दे हैव डन अ ग्रेट जॉब वी ऑल वर्क हार्ड
Kajol, Priyank too, you all have seen how he transformed from one to one. And now suddenly he's again skinny. That's impossible to have. Ye apni body transitions within month kaise change kar rahe ho aap? Just diet, diet. Guys, it's just diet. It's just diet, guys. Jab main bahut khata hu Punjabi. कुछ भी नहीं, there's no salt, no sugar, no nothing, he's alive on air, like हवा खाता है वो। I just like when we are toning, yeah really really. When we are toning, so basically boiled चीजें रहती हैं, boiled eggs रहते हैं, boiled chicken रहता है। दिमाग भी boiled ही रहता है। दिमाग इतना नहीं boiled रहता है, मेरा दिमाग ठंडा रहता है। But we have to definitely get off the salt to get back in shape, and then यार खाते भी ऐसा कुछ नहीं है, just both the things, we swing both the ways, so yeah. हम सारे के सारे एक साथ ही बैठे होंगे कहीं ना कहीं विल बी वॉचिंग इट यार बनता है यार इतना बनता है यार इतना बनता है Sorry. There are few actors who have been exchanged and all, but we three are like yeah, we have been there since the beginning. It's been one and a half years we have given. So two birthdays chale gaye, two garmiyan ki chuttiyan, sab. But we have been around, so we just want to watch it together. Yeah. Okay, okay. जाते जाते अब सभी साथ में एक punch beat करना होगा. Perfect. चलो वो मार्च करना है वादा. कुछ भी punch beat आप हाँ लोग करने के लिए. Very new choreography. आप बीच में यहाँ करें. चलो बोला. हाँ भैया अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप बताइए कि आपकी फीलिंग है पंच बीट के ट्रेलर को लेकर मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ आई थिंक जो मैं रिस्पांस मिला है जो हमें रिस्पांस मिला है ट्रेलर को लेकर आई थिंक लोग जब शो देखेंगे तो उससे भी ज़्यादा खुश होंगे सेटिस्फाइड होंगे आई डोंट थिंक किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसा शो है जो मतलब यूथ को कैटर करता है एंड सिर्फ बचकानी हरकतें नहीं हैं हंसी मजाक इट्स पार्ट ऑफ इट मगर द स्टोरी द इमोशंस एंड मेरा मानना यह है कि इस शो से आने वाले टाइम में जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो निकलेंगे आई थिंक सिद्धार्थ प्रियांक Nikhil, the girls, Khushi, Harshita, Kajol, they will be the future stars and I'm very excited for them. हाँ सर उसके बारे में बताइए सर जहाँ तक मेरा सवाल है एट अ पर्सनल लेवल आई डोंट थिंक किसी ऑडियंस ने मुझे ऐसा करते हुए देखा कभी बिल्कुल ही ईविल कैरेक्टर है और जब हमारा शूटिंग खत्म हुई थी और एकता ने देखा था तो उसका फर्स्ट रिएक्शन था समीर आई हेट यू तो नॉर्मली मुझे देखा जाता है कि गुड हस्बैंड गुड फादर इसमें आप मुझे बहुत ही अलग रूप में देखेंगे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं पर्सनली भी थक गया था वो अच्छा अच्छा लड़का बन बन के अभी थोड़ा थोड़ी बुराई का टाइम है हम साथ काम करें क्यों मरवा रहे हो यार अगर घर में झगड़ा हो गया तो शूटिंग नहीं होगी शूटिंग में झगड़ा हो गया तो घर में खाने को नहीं मिलेगा नहीं नहीं एक्चुअली या ऑफकोर्स इफ समथिंग इंटरेस्टिंग कम्स जो उनके लायक भी हो क्योंकि उन्होंने काफ़ी सालों से काम नहीं किया है तो वी वुड लव टू डू इट टुगेदर ऑफकोर्स गोज विदाउट सेइंग मैं एक्चुअली सभी को पहले भी प्रॉमिस कर चुका हूँ कि इतने सालों में जो मैंने काम किया हमेशा अपना 100% देता हूँ मैं आप सब जानते हैं ऑनेस्टली काम करता हूँ आई गिव माय हार्ट एंड सोल और मैं करता रहूँगा यही मुझे आता है और मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहूँगा कि इतने सालों में आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरी पहली फिल्म 20 साल पहले रिलीज़ हुई थी और मैं आज खड़ा हूँ आपके सामने तो आप लोगों के प्यार के बदौलत है एंड थैंक यू वेरी मच प्यार करते रहिए और पंच बीट ज़रूर दीजिए थैंक यू सर थैंक यू जी Whoever sees the show, there are some future superstars that will come on the show. And some of them are right here. This boy, Ali bhai. Okay. Done. Ali ji, sabse pehle
मुझे ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, दैट्स व्हाई आई रीपोस्टेड इट आल्सो, एंड यू नो ऑल्ट बालाजी ऑलवेज कम्स अप विद समथिंग एक्साइटिंग एंड न्यू, सो आई कांट वेट टू वॉच इट. स्पेशली मैंने सुना है कि इसमें हर्षिता का जो कैरेक्टर है शी इज अ कथक डांसर एंड आई एम ऑल्सो कथक डांसर इन रियल लाइफ, सो आई वुड लव टू वॉच एंड सी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं. सो या एंड ऑल द बेस्ट टू विकास एंड द होल टीम ऑफ ऑल्ट बालाजी. Yeah, if I'm given a chance, why not? I would love to. That's like a dream to like act and dance in the same project. Thank you. Thank you. Shantanu, what are you expecting tonight? क्या कहना चाहेंगे? Look, ये है. अच्छा, हाँ. What do you expect? Yeah, what are you expecting? After a very long time, I mean, विकास सर का शो है and youth based show है, so I'm excited. Promos बड़े killer हैं and production value बड़ी huge है, so looking forward to that. I mean, बहुत सारी चीज़ें हैं. I mean, इसमें dance का भी जिक्र हुआ है, इसमें बॉक्सिंग है ओवरऑल, एंड ओवरऑल स्कूल लाइफ है, सो आई मीन वी ऑल लव वॉचिंग स्कूल लाइफ, वी ऑल लव वॉचिंग आर कॉलेज डेज, सो वैसा ही कुछ रहेगा एक्सपेक्टिंग, एंड विद लॉट ऑफ क्वेश्चन बिकॉज विकास भाई है, सो आई मीन ही ऑल्सो हैज अ टेस्ट फॉर यूथ, सो आई एम एक्साइटेड. मैं मेरा अरे बाल बड़े हो गए यार, आई मीन यार कुछ कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. अब मैं कुछ बता नहीं सकता. हाँ वेरी नाइस. आज प्रॉमिस डे. नहीं 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 कोई है नहीं तो अभी प्रॉमिस नहीं करता. हाँ हम किसी और चीज़ के लिए आए, हम किसी और बात में बात कर रहे हैं. अगर हाँ आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से. आई मीन पंचबीट और वैलेंटाइंस डे का कैसे रिलीज डेट सेम है, दैट इज़ गुड. मेरी स्पेसिफिक प्लानिंग कुछ नहीं है, मैं डेफिनेटली पंचबीट देखने वाला हूँ, सो आप भी देखिएगा. सो दैट्स व्हाट आई विल से. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. Looking forward for it, as I said, all is coming up with good shows. The production value is very good, beautiful. अलग अलग मैं राइटर थोड़ी हूँ, क्रिएटिव थोड़ी हूँ यार, मैं तो एक्टर हूँ, सो आई विल लिसन टू द कैरेक्टर व्हाट द राइटर हैज. चैलेंजिंग कैरेक्टर हो तो और मज़ा आता है. थैंक यू. डू वॉच पंचबीट, इट लुक्स फैब. आई मीन विकास सर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम कमिंग आउट विद द यूथ शो एंड ऑल द प्लेटफॉर्म पे है, सो एवरीथिंग इज गुड 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 फेसेस एंड गुड एक्टर्स, सो होपफुली यू गाइस हैव फन एंड गेट अनदर. बहुत ही बढ़िया है क्योंकि हमारे अभी टेलीविजन में या कई यूथ शो में तो बहुत समय बाद यूथ शो आ रहा है और सब करण जौहर की मूवीज़ देखते हैं, सब ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखा होगा, तो ये मुझे लगता है कि छोटे पर्दे का स्टूडेंट ऑफ द ईयर लगा. बहुत स्टाइलाइज है, बहुत फास्ट है, पेसी है, फ्रेश पेसेस है, वाइब्रेंट एनर्जी है, तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, इसीलिए मैं यहाँ पे. जी दरअसल 48 का फिल्म प्रोजेक्ट एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो 137 कंट्रीज में ऑल ओवर इंडिया होता है, और इंडिया में से मेरी फिल्म सिलेक्ट हुई है जो मार्च में दिखाई जाएगी. मैंने बेस्ट एक्टर जीता है, हमारी फिल्म को बेस्ट फिल्म मिला है और बेस्ट डायरेक्टर जो मैंने को डायरेक्ट करी है, अंबू है फिल्म का नाम. और अगर हम 3 मार्च से 9 मार्च तक ये फेस्टिवल चलेगा, अगर हम जीत जाते हैं तो हम कान में जाएंगे. थैंक यू. जी जी मैं एक्टर हूँ, मुझे बेस्ट एक्टर मिला है, मैंने को डायरेक्ट किया है
और इसके अलावा बहुत और सारे प्रोजेक्ट मुझे पता नहीं मैं बोल सकती हूँ उसके बारे में नहीं बोल सकती तो ये दिक्कत है पर अभी ये सबसे लेटेस्ट हाँ प्रॉमिस डे ओहो क्या प्रॉमिस देखिए मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं बिल्कुल साफ साफ बोल रही हूँ बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं करूँगी मैं बिल्कुल करूँगी जैसे रोज़ डे था और मुझे कोई गुलाब नहीं मिला था तो मैंने अपने सब दोस्तों को बोला कि मुझे गुलाब नहीं मिला तो फिर गुलाब आ गए थे मैंने आज अपने आप से प्रॉमिस किया था कि आज से केक्स बंद पर मेरी फ्रेंड केक ले आई तो मेरा वो प्रॉमिस टूट गया तो यही प्रॉमिस था जो मैंने तोड़ दिया थैंक यू सनम हो गया रेडी गाइस ओके विकास सर जिस तरीके से पंचवीट रेडी हो गया है मतलब जिसके बारे में हम लोग इतने टाइम से बात कर रहे थे आप बोल रहे थे बहुत कुछ अलग बना रहे हैं नया बना रहे हैं क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में किस तरीके की फीलिंग ये तो आप लोगों को भी पता चलेगा जब आप लोग बैठेंगे प्रीव्यू में what is so exciting is that all my friends are coming and watching it and I'm getting to know footage what is I'm getting to know the reviews see meko na sab log puche are you nervous I'm not nervous I'm never nervous about what I make I'm nervous ki main delivery time pe kar paunga nahi kar paunga meri team works really hard so we've been since the last 2 weeks edit pe so rahe edit pe khana kha rahe to aap log to karte na deadlines pe So it's been very exciting and I'm very very happy and very proud that the show is coming on the 14th of Feb. So maine kaha na aap jo bhi soch ke aayenge show dekhne ke liye aap surprise honge kyunki jo bhi aap sochoge usse zyada layering hai isme. Okay Vikas sir ke saath mein trailer release hua hai trending pe chala gaya hai log isi ke bare mein baatein kar rahe hain to kis tarike ki feeling hai aur aapko kis tarike ka response mil raha hai? Mujhe bahut acha response mil raha hai. Matlab aisa response mila jahan pe mujhe aise 5 aur calls aa chuke aur banate hain show aisa. But what is really nice is that it took me a year to make the show. एक साल लग गया ऑलमोस्ट बनाते बनाते देहरादून में यहाँ पर हर जगह अब मैं चाहता हूँ कि लेट पीपल इन्जॉय इट फॉर सम टाइम एंड लेट्स सी व्हाट रियली कम्स आउट ऑफ इट बिकॉज इस कंट्री में यंग शोज हैं ही नहीं फॉर 13 to 18 ईयर ओल्ड कोई शो बनाता नहीं है सो एवरी वन वॉन्ट्स टू मेक अ शो एंड से इट्स अ यूथ शो बट इट्स नॉट बट दिस इज़ एन आउट एंड आउट शो फॉर द यूथ वी हैड सम वेरी इंटरेस्टिंग स्कूल किड्स एंड कॉलेज किड्स हू हैड कम टू सी दिस प्रीव्यू एंड दे लव्ड इट एंड दैट्स व्हाट द टारगेट ऑडियंस रियली इज देखो कुछ कहानियाँ होती हैं वो स्टेज पे जाती हैं कुछ कहानियाँ होती हैं फिल्म्स के लिए होती हैं कुछ टेलीविजन के लिए होती हैं और कुछ वेब के लिए होती है थैंकफुली अब कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो वेब का जो ओपन हुआ है मार्केट उसकी वजह से वी कैन टेल दी स्टोरीज वन आप एक फिल्म में बनाओगे तो बहुत कुछ कट जाता है आपको 2.5 घंटे की फिल्म बनानी होती है 2 घंटे की फिल्म बनानी होती है बट नाउ यू कैन टेल सम स्टोरीज कोई टीवी में तो बनाएगा नहीं 13 एपिसोड्स की स्टफ फिल्म में आप बना नहीं सकते स्टेज पर जाएगा नहीं सो आई थिंक थैंक गॉड दैट वी कैन डू सो मेनी ऑफ दी स्टोरीज दैट कैन बी टोल्ड नाउ देखो मैं बचपन से बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ तो मैं जब भी यूथ की शोज़ बनाता हूँ ये चीज़ें करता हूँ कहीं ना कहीं से तो मैं ऑब्वियसली इंस्पायर होता हूँ ऐसे हवा में तो कोई बना नहीं सकता है सो इंस्पिरेशन ऑलवेज कम्स फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल दैट यू नो इन एंड अराउंड यू लाइक द हीरोइन हर्षिता कैरेक्टर हमने लिखा कुछ और था जब हम वर्कशॉप से बैठे थे सो देर टू गर्ल्स हु हैड जॉइंड आर शो एक थी खुशी वो पद्मिनी प्ले कर रही है सो आई चेंज माई हीरोइंस कैरेक्टर बिकॉज आई सॉ एन 18-year-old इज़ लाइक दिस नाउ So when you see a girl can get confused between two guys and it's okay to be confused between guys no TV mein hota hai ki ek hi jagah pyar hoga ek hi jagah cheeze hongi so I think that's very very path breaking in terms of how you have shown the girl here okay because mera sawal ye hai ki jab trailer ko itna pyar mile jab har cheez ko matlab log itna matlab pyar dete hain to pressure kitna badh jata hai अरे प्रेशर नहीं बढ़ता अच्छा लगता है प्यार मिलना चाहिए प्रेशर तो तब बढ़ता है प्यार ना मिले इमेजिन इफ यू डोंट गेट हिट्स ओनली इफ़ यू डोंट गेट पीपल टू लव द शो ट्रेलर तो यू तो विल बी व्हाट डू वी डू मतलब और क्या करें कि लोगों को पसंद आना चाहिए सो एटलीस्ट यू नो दैट पीपल हैव लव्ड इट दे विल कम एंड सैम्पल इट एंड आई नो इफ दे विल कम एंड सैम्पल इट दे विल लव इट हम्म
यार मैंने ना हमेशा अलग अलग तरह के शोज बनाने की कोशिश करी है. आई ऑलवेज अरे बड़े भैया यार मैंने हमेशा ना बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें करी हैं. सो व्हेन आई वाज राइटिंग आई राइट, व्हेन आई डायरेक्ट आई प्रोड्यूस. सो आई हैव डन अ लॉट ऑफ यंग शोज, दैट्स करेक्ट. मैं गुमराह बना चुका हूँ, ये है आशिकी, वेब स्प्लिट्स, अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स. अभी ये सब स्पेस आई जस्ट फिनिश्ड. आई टेल स्टोरीज जो मुझे मन करता है बताने का, एंड आई ऑल्सो ट्राई टू टेल स्टोरीज जो बाकी लोग नहीं बना रहे होते हैं. सो अब अगर पाँच छः लोग बहुत सारे यंग शोज बनाएंगे तो मैं कुछ और अटेम्प्ट करूँगा बनाने के लिए. एक्चुअली मैं अभी एक हॉरर का पायलट शूट करने वाला हूँ. आई डोंट नो हाउ यू सेड दैट, बट इंटरेस्टिंग स्टफ इज गोइंग टू बी हैपनिंग. मजा आएगा. थैंक यू. अरे विजुअल्स लिए क्या? Rajol. आराम से करेंगे, ये तो पुराने देखिए क्या है कि ये इसके बारे में मैंने ना अंदर सुना था, जब मैं घर के अंदर था तब मेरे साथ विकास ने डिस्कस किया था कि मैं कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि मैं ऐसे बॉक्सिंग को लेकर और ऐसा दिखाऊंगा, मैं कुछ ऐसा स्कूल दिखाऊंगा और ऐसा बॉक्सिंग, ये वो मतलब वंडरफुल. यार उसने ये मुझे बताया था कि प्रियांक है उसमें, और बाहर आने के बाद में फाइनली आज इसका प्रोमो है, लॉन्च है मतलब एक तरह से, तो सुपर यार, सुपर यार. नहीं यार देखो ऐसा ऐसा होता है ना कि ये मामले में एक बात एक एक्टर को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि अगर आप शूट करते हो तो आप 100% उसमें रहोगे, चाहे जो भी हो जाए. फिर हो सकता है कि पता है कि हो सकता है कि पहले कोई और कर रहा होगा, या हो सकता है कि किसी और का नाम आया होगा, लेकिन फाइनली इट विल कम टू यू अगर आप शूट करते हो. लेकिन नहीं करते तो ठीक है, कोई बात नहीं. ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई रोल नहीं है जो एक एक्टर नहीं कर सकता, बट एक एक सोच होती है कि हमें इसमें शायद हम इसी को देख रहे हैं तो ऐसा चाहिए, हमें इससे मिलता जुलता चाहिए. मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की. कंप्लेंट की आपने? कंप्लेंट इन्होंने इन्होंने की, मैंने कोई नहीं की. ये सब सब मौजूद हैं, सब गवाह हैं. इनके पास वक्त होना चाहिए, आते ही निकल गए थे ये दो दो शोज करने के लिए. प्लीज देखो ऐसा होता है इन्होंने बताया था, ये बात परफेक्ट है. अब वक्त ऐसा है कि निकालना जा सकता है. ये जब बोले ये इसने लिख के रखा हुआ है. हाँ तो निकाला जाता है. हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, निकाला जाता है. और क्या देखिए ऐसा है ना कि प्रॉमिस वो लोग करते हैं जो तोड़ने वाले हैं या तोड़ना चाहते हैं. हमें पता है यार, हमने जब सात फेरे लिए थे तो हमने वो सारे प्रॉमिसेस कर लिए और वो हम सात फेरों से पहले से निकल. आज करते
पहली बार प्रोड्यूसर की बात सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात भी ना निकाल निकाल